हे गाइस गुड मॉर्निंग सुबह वाओ सुबह का टाइम हो गया है और जैसे कि आप लोगों को पता है डेली मम्मी हम लोग के लिए सुबह सुबह उठ के मेहनत करती है। वो भी किस लिए? टिफिन बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आज मम्मी पराठा बना रही है और आरो जितना भी ये सारा सामान था गिरा दिया। उठाओ जल्दी तो पानी आएगा, मैं तुम के रखती हूं। तो ये पराठे से सेक रही हो? हां अच्छा। और चाय भी रख दी, एक साइड पराठा भी हो गया। और बहुत अच्छी बात है कि आज स्कूल से निकलते वक्त बारिश नहीं हो रही, वरना डेली होती है तो दिमाग ख़राब हो जाता है। या तो स्कूल से निकलते वक्त होगा या तो स्कूल से छूटते वक्त होगा, छाता होने के बावजूद भीग जाते हैं। जाओ तो अच्छी बातें नहीं हो रही आज। आरो पराठा सीख दिए, मेरे को चाय दे दो, मैं छान लेता हूँ, अपना अपना पी के जाऊँ। आरो को भी छान लेना। ठीक है, तो गाइस आप लोग जुड़े रहिए यहाँ पे, चाय वगैरह पी के फिर मिलते हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने देखा कि मैंने सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया, फिर उसके बाद बच्चे चले गए स्कूल। और आज है सैटरडे का दिन, आरो का हाफ डे रहता लेकिन आर्यन का नहीं रहता है, तो आरो आज जल्दी आ गए। तुमको बड़ी तेज़ से भूख लगी थी। गई थी मंदिर से आई तो मैं सोची कि आरो का हाफ डे है, आ गया होगा, तो वो ना आया फिर चला गया अपने बुआ के घर पे। तो मैं क्या सोची कि वो बुआ घर पे गया होगा, तो मैं सुबह पराठा सेकी थी, तो जब भी सेकती हूँ तो एक दो एक्स्ट्रा सेकती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग जाती है। जब 10:30 बजे पूजा करके उठती हूँ, मंदिर से आती हूँ, तो भूख लग जाती है। चाय बनाई तो मैं भी चाय पराठा खा ली और इसका वेट कर रही थी आए तो ये भी मेरे साथ कर ले, तो बहुत तेज़ से बोला भूख लगी है, तो ब्रेड था तो ब्रेड खाया बोल, तो इधर मैंने जल्दी से फटाफट दाल और चावल बना दिए, अब बन गया है ना, तो अब इनको भूख नहीं लगी है। अब इधर देखिए होमवर्क कर रहे हैं, आप देखिए इधर, और मोबाइल से इतना बड़ा बड़ा कैसे कलेक्ट करूँ अभी आप ना। हम लोग तो ऐसे ही करते थे, हम लोग के जमाने में तो मोबाइल ही नहीं था। कितने बड़े हो आप? हम बड़े हैं, हम भी ऐसे तुम्हारे जैसे छोटे थे। हाँ तो हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, फटाफट कैलकुलेटर कर लेती थी। तो तुम भी तो, अरे हमारे मम्मी पापा क्यों हमको इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाए, हिंदी मीडियम में पढ़ाए हैं तभी लोग कमेंट करते हैं ना, कुछ आता नहीं है। बल्कि जो हिंदी मीडियम में पढ़ा है बल्कि उसका सही है, फटाफट सब चीज़ आता है। तो ये अभी इस समय मैथ्स और ट्यूशन का है कि होम स्कूल का है? हाँ क्या, किसका बुक लग रहा है? ट्यूशन का। तो आप लोग कमेंट करते, आपके बच्चे या तो चाय पीते हुए या तो खाते हुए दिखते हैं, तो आज मैं पढ़ते हुए भी दिखा देती हूँ, क्योंकि जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मैं ब्लॉग नहीं जल्दी शूट करती हूँ, ब्लॉग शूट करने में थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो जाता है, इसीलिए जब वो लोग पढ़ाई करते हैं तो मैं अपना काम कर लेती हूँ, उन लोग को बोलती भी नहीं हूँ, काम करते हुए मैं ज़्यादा दिखती भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं काम करूँगी तो ब्लॉग कोई शूट करता है तो ठीक है, नहीं करता है अब बच्चे लोग को कहूँगी तो वो लोग को डिस्टर्ब होगा, तो जितना हो सकता है उतना मेरे बच्चे हेल्प कर देते हैं। तो आज कुछ आप लोगों से बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ। आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं कि दीदी आप सिंदूर क्यों लगाती हैं माथे में ये, तो मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ, चंदन होता है ना, आप देखिए ये चंदन कई कलर का आता है, तो ये मैं जब गई थी वहाँ से, कहाँ से, सीहोर जब गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। और अब सीहोर बोलूँगी, आप लोग बोलते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो सीहोर गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। और चंदन और रोरी रहता है गाइस, हमें भी सिंदूर पता है कि सिंदूर की क्या कीमत होती है, सिंदूर कब लगता है कब नहीं लगता है, इतना तो मुझे पता है। आप लोग बहुत बार कमेंट किए पूनम दीदी आप क्यों लगाती हैं, तो मैं रोरी रहता है, रोरी एक भगवान जिसका जिससे पूजा होता है, चंदन होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कलर तो ये सेम है लेकिन उसमें हमें फ़र्क पड़ता है, इस चंदन और सिंदूर में फ़र्क पड़ता है कि कौन सा चंदन है कौन सा सिंदूर है, इतना तो मुझे आप पता ही है। और इधर कल मैं ब्लाउज सिल रही थी, आपको दिखाती हूँ, ब्लाउज हमारा आधा कंप्लीट हो गया, कैसा लग रहा है मैंने सिला। अब सिलते हुए बच्चे तो नहीं रहते हैं तो मैं कुछ ब्लॉग नहीं शूट करवा पाती हूँ,
इधर देखिए ये आगे का है और इधर पीछे का हुक है, कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। आस्तीन लगाना है, आस्तीन भी कंप्लीट करना है मुझे, तो फटाफट जब समय मिलेगा कर दूंगी। मुझे एक काम नहीं रहता, एक काम करती हूँ तो दूसरा काम दिमाग में सोचती रहती हूँ कि ये काम करना है, ये काम करना है। और यही सब बातें हैं, कभी कभी आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं। इधर देखिए हमारे मंदिर में, आपको बैक कैमरे करके दिखाती हूँ कि मैंने कैसे, मतलब मुझे जैसे पूजा करने आता है उसी तरीके से करती हूँ। तो इधर देखिए हमारे शिवलिंग, इधर हमारे मैं लाई थी माँ शिवलिंग, इधर नंदी जी हैं और इधर हमारे कुबेर भंडारी शंकर कंकड़ की जो मैंने पूजा की है लेके आई हूँ, भगवान को प्रसाद भी चढ़ा दी हूँ। और ये लक्ष्मी माता, और इधर हम दिल्ली से ये खरीद के लेके आए थे, यहाँ तो बहुत महंगा मिलता, दिल्ली में सही से मिल गया तो मैंने कल चेंज किया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? पूजा कर एक डेढ़ घंटा मैं बिजी रहती हूँ गाइस, और मुझे भी ना इतना ही होता है कि दिन भर पूजा करते। अब सोचिए अभी अब कितना घड़ी में बज गया, आप लोग देखिए 12:30 बज रहे हैं, और अभी खा पी के फिर से एक बजे से 4 बजे तक कथा आएगा, मैं 4 बजे तक कथा सुनूंगी और इसी में हमारा दिन भी, जब कथा सुन के उठूँगी तो ब्लाउज सिलूँगी। अपने आप को एकदम बिजी रखती हूँ, समय नहीं रहता है। आज मैं 4-5 दिन मम्मी से हो गया बात किए हुए, मम्मी भी स्कूल चली जाती हैं, जब हम लोग फ्री रहते हैं तो मम्मी स्कूल में रहती हैं और मम्मी आती हैं तो फिर हम लोग भी काम में बिजी हो जाते हैं। तो आज सोच रही हूँ, कल वंदना का फ़ोन आया था तो मैं सोची कि लगाऊं, वीडियो कॉलिंग पे हम लोग बात कर रहे थे तो लगाई, तो भाभी का पता नहीं मोबाइल कहाँ था कि वो उठाई नहीं कि देखी नहीं, नेट या फिर नेट बंद होगा उनको पता ही नहीं चला होगा, इसीलिए मम्मी से बात नहीं हो पा रही है। 2-4-5-10 दिन हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कितना दिन हो गया मम्मी से बात नहीं हुआ है। आरो अगर मैं नहीं रहती हूँ घर में तो कैसा लगता है, ढूंढने निकल जाती हैं तुरंत, मम्मी कहाँ है, अगर सामान लेने कहीं गई है तुरंत निकल जाती हैं। कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना? तो ऐसे जब हम लोग भी मम्मी के यहाँ जाते हैं, जब मम्मी घर में नहीं रहती स्कूल चली जाती है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। माँ के बिना घर अच्छा नहीं लगता है, चाहे घर में कोई रहे या ना रहे, लेकिन जब मम्मी नहीं रहती हैं घर में ना, तो घर एकदम सुना सुना लगता है। और इसीलिए खासकर और मम्मी के घर नहीं जाने, मम्मी स्कूल चली जाती हैं फिर इधर उधर, गलत कह रहे हैं, किसको मम्मी के बगैर घर अच्छा लगता है, किसी का भी घर माँ के बगैर अच्छा नहीं लगता है। दुनिया में कोई रहे या ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मम्मी घर में नहीं रहती हैं तो फ़र्क पड़ता है। एक पति और एक मम्मी दो ही चीज़ ऐसे होते हैं कि घर में रहें तो घर की शोभा बढ़ जाती है माँ और पति से। तो हम ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्या चाहिए, क्या करोगे? बुक खरीदूंगा ट्यूशन। तो आज तुम कुछ है ब्लॉग में बोल दो कि लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थोड़ा सा बोल दो तो, कि आजकल देखिए। हे गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और क्या बोलते कमेंट करें, और अच्छा अच्छा कमेंट करिए, और अच्छा अच्छा निगेटिव कमेंट नॉट करें। और क्या मम्मी इसको बोलते और क्या बोलते क्या बोलते क्या 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 वीडियो को शेयर करें, हाँ शेयर करें। बाय।